विधि और भावना दोनों में सामंजस्य साधकर काम करने पर सफलता मिलती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। मन कल्पित विधाने विधि और भावना दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। गीता का 17वां अध्याय भी इस तथ्य को उद्बोधित करता है, उद्भाषित करता है। विधि के साथ भाव, उनको तो मालूम है कि विधि क्या है, फिर उल्लंघन करके केवल ख्याति बतोड़ना चाहते हैं। इससे उनका भला नहीं होगा, उनके अनुयायियों का भला भी नहीं होगा। जानबूझकर विधि का अतिक्रमण कर रहे हैं अपनी ख्याति के लिए। तो ख्याति के लिए अगर विधि का कोई उल्लंघन करता है तो सफलता के नाम पर असफलता प्राप्त होती है, उपहास का पात्र बनता है। ठीक कहा गजपत जी ने। आगे क्या कहे, स्वर्ग द्वार पुरी में शवदाह के लिए गोबर के उपले आदि से शवदाह हो, ऐसी एक बात आई है सरकार की तरफ से। सरकार की ओर से, उड़ीसा शासन। फिर आपसे का भाव, भाव किसको दूं? शासन तंत्र धार्मिक विषय में हस्तक्षेप करे उचित नहीं है ना, क्या? तो जो भी शासन तंत्र हो केंद्र में प्रांत में, उसको चाहिए कि शास्त्र सम्मत विधा से ही काम हो, इसका ध्यान रखा जाए। हमसे कोई संपर्क तो स्थापित नहीं किया गया है अभी। किससे होता है? कास्ट से होता है क्या? अब क्या कहते, उपले से? कास्ट की कमी हो गई तो उपले की अधिकता है क्या? वो भी तो कम है। किसके उपले से? गाय के गोबर से या ऐसा कहना जो है किस अभिप्राय से किया गया, कास्ट की कमी के कारण या किस कारण, इस पर विचार करना चाहिए। जर्सी गाय के अभी तो गोबर होते हैं क्या? इस संबंध में शासन तंत्र के जो अधिकृत व्यक्ति हैं वो आकर विचार विमर्श करें, उनके भाव को हम सुने, हमारे भाव को सुने, तब निष्पत्ति हो तो बढ़िया। आगे जो पंजीका है उसमें बार बार दो तरफ की अलग अलग की सूची आ रही है, जिसको लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ के लोग। वो तो वर्षों से समस्या है। ऐसा है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, वेदांग है। ज्योतिषियों को जितना परिश्रम करना चाहिए उतना करते नहीं। अमेरिका ब्रिटेन आदि से जो आती है खबर, या अमेरिका ब्रिटेन आदि के जो ज्योतिषी काम करते हैं उसी की नकल कर लेते हैं। अब अगर कोई उदय अस्त को लेकर के शास्त्र सम्मत भेद है तब तो कोई भेद नहीं, मना कल्पित भेद है या ज्योतिर्विद सचमुच में ज्योतिष के विशेषज्ञ नहीं है, तब वो पंचांग आदि बनाते हैं, उचित नहीं है। आगे मंदिर प्रशासन जो तीनों पंजी तय कर चुका है, वो तीनों पंजी को लोगों को मानना चाहिए? मंदिर प्रशासन हमसे तो कोई संपर्क साधता नहीं धार्मिक विषय में भी, तो हम उसके बारे में क्या बोले? मान न मान मैं तेरा मेहमान, समझ गए ना? मूल बात यह है कि शासन तंत्र धार्मिक क्षेत्र में भी जो अधिकृत धर्माचार्य हैं उनसे संपर्क नहीं रखना चाहता। हमारा स्वभाव है कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हम टांग क्यों हरावें। यह आगे जैसे हालांकि जो साइक्लोन आया था वो तो पहले से ही पंजिका में लिखा गया था, और अभी एक भूकंप के बारे में भी पंजिका में लिखा हुआ है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रहे हैं। मतलब कहाँ होगा भूकंप? यहाँ उड़ीसा में वो आकलन किया गया, पंजिका में लिखा गया।
महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। पृथ्वी भी कुपित है, जल भी कुपित है, वायु भी कुपित है, अग्नि भी कुपित है, ऊर्जा के जितने स्रोत हैं सब कुपित हो गए। पृथ्वी, पानी, सूर्य, वायु, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, प्राकृतिक विस्फोट के समय भी वो सुरक्षित रहते हैं, उनका बाल बांका नहीं होता। हो गया जो नए वाले में क्या खत्म होते ही, कार्तिक महीने के खत्म होते ही नया दर्शन व्यवस्था लागू होने वाले, क्या हुआ जिसमें नाट मंडप पे एसी लगने वाला है, नाट मंडप पे जो लोगों को राम करके मतलब दर्शन किया जाएगा, काट का जो राम किया जाएगा, सीढ़ी तरह एक किया जाएगा जो 5-5 इंच का 6-6 इंच का उसका अंतर रहेगा, हाइट रहेगा ऊंचा ऊंचा। पहले ही मैंने कह दिया कि जब तक शासन तंत्र अपना पक्ष न रखे, पूरा पक्ष मेरे सामने न हो, फिर मैं अपना भाव व्यक्त करूं, तब उससे पहले मैं क्या कह सकता हूँ? आँख मूंद के न मैं समर्थन कर सकता, न आँख मूंद के मैं निंदा कर सकता हूँ। आवेंगे तो मैं सब सुनूंगा। मेरा काम है कि सामने वाले की बात को सुनना, समझना, उसके बाद मुँह खोलना और सामंजस्य साध करके काम करना। शासन तक मेरे पास आएगा, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों हुई, सब बात सुन करके मैं फिर अपना कोई भाव व्यक्त करूँगा आगे।